जहां बीती रात 12 बजे से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बीच बीच में थोड़ी देर के लिए बारिश रुकती जरूर है, लेकिन थोड़ी ही देर के ब्रेक के बाद फिर से शुरू हो जाती है और उसका नतीजा ये हो रहा है कि शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। आपको कुछ तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। पानी जमा होने से लोगों की परेशानी किस तरीके से बढ़ गई है, समुद्र में किस तरीके से इस वक्त लहरें उफान पर हैं वो भी आप देख रहे हैं। ट्रेन और बस सेवा पर बहुत बुरा असर इसका पड़ा है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है, लोकल ट्रेनों की भी हालत खस्ता है, देरी से चल रही है। मौसम विभाग की माने तो बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है मौसम विभाग ने, यानी कि मुंबई में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, तेज बारिश होगी। और इस बीच मुंबई में आज हाई टाइड का भी अलर्ट जारी हुआ है। अब से थोड़ी ही देर बाद 1:57 पर हाई टाइड आने की संभावना है, यानी कि पानी पानी मुंबई की परेशानी और बढ़ सकती है। और मुंबई की जरा आप ये अलग अलग तस्वीरें देखिए, आपको अंदाजा होगा मुंबई कैसे बेहाल है। बीती रात 12 बजे से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार जारी है। थोड़ी देर के लिए बारिश रुकती है लेकिन फिर से शुरू हो जाती है। पानी की वजह से देखिए परेशानी कैसे बढ़ रही है। ट्रेन और बस सेवा पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, ट्रैफिक की रफ्तार जैसे थम गई है, लोकल ट्रेन भी देरी से चल रही है। और मौसम विभाग की माने तो बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया, यानी कि मुंबई में बारिश का अभी सिलसिला नहीं रुकेगा, तेज बारिश भी होगी। और इस बीच मुंबई में आज हाई टाइड का अलर्ट भी जारी है और 1:57 पर हाई टाइड के आने की संभावना, यानी कि पानी पानी मुंबई की परेशानी अभी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और इसी बीच मुंबई की अलग अलग तस्वीरें, जहां माया नगरी कैसे बेहाल है वो समझा जा सकता है। तमाम तस्वीरें सबूत है इस बात का कि कैसे हर साल मुंबई को लेकर जो बड़े बड़े दावे होते हैं कि बारिश से पहले मुंबई को तैयार किया जा रहा है, वो कैसे नाकाफी साबित होते हैं। जरा आप देखिए, बारिश होते ही तमाम दावे पानी के साथ बह जाते हैं। ये अलग अलग तस्वीरें बेहाल मुंबई की, तो तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं। अब आइए जरा आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। मेरे साथ मुंबई में जुहू से मृत्युंजय सिंह, दादर चौपाटी से सूरज ओझा हमारे साथ जुड़ गए। शुरुआत मृत्युंजय आपसे कर लेते हैं, क्योंकि हाई टाइड की भी संभावना जताई गई है, थोड़ी देर बाद हाई टाइड भी आएगा। तैयारियां क्या की गई हैं और किस तरीके से बेहाल मुंबई इस वक्त दिखाई दे रही है? देखिए, बहुत चिंता की बात है कि अगर हाई टाइड के समय मुंबई में बारिश हो तो एक बार फिर से मुंबई जलमग्न हो सकती है। इसकी तस्वीर आपको दिखाता हूँ, मुंबई के वर्सोवा चौपाटी की तस्वीर है। सबसे राहत की बात यह है कि इस समय बारिश रिमझिम बारिश हो रही है, लगातार तेज मूसलाधार बारिश फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन जरा समुद्र का रुद्र रूप देख लीजिए, किस प्रकार से समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं और ये ऊंची लहरें जब पत्थरों से टकराती हैं तो कितनी भयावह तस्वीर देखने को मिल रही है। आमतौर पर इस चौपाटी पर बच्चे खेलते हैं, यहाँ पर लोग टहलने आते हैं, मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, लेकिन देखिए किस प्रकार से समुद्र का किनारा है, वो समुद्र का किनारा काफी रुद्र नजर आ रहा है। ऊंची लहरें उठ रही हैं, 4 मीटर तक की ऊंची लहरें उठ रही हैं और जो अनुमान है 1:50 के करीब सबसे ऊंची लहरें जो उठेंगी वो 4.40 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। और सबसे बड़ी चिंता की बात तभी होती है जब हाई टाइड का वक्त हो और उसी समय मुंबई शहर में लगातार बारिश अगर होती रहे तो शहर का पानी समुद्र में नहीं जा पाता है और यही वजह होती है कि मुंबई के निचले इलाके जलमग्न हो जाते हैं। और देखिए, आपकी नजरें जहां भी जाएंगी इस प्रकार से ऊंची लहरें उठ रही हैं आपको, लेकिन एक चीज नजर आएगा, समुद्र पर किनारे कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आएगा। वजह यही है, प्रशासन ने साफ किया है कि कोई भी व्यक्ति समुद्र के किनारे ना जाए, क्योंकि ये खतरे की बहुत बड़ी चेतावनी है। और आप देखिए, कोई भी व्यक्ति आपको समुद्र के किनारे, खास करके जो रेतीला हिस्सा है वहां पर नजर नहीं आएगा। कुछ प्राइवेट गार्ड्स हैं और महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं, उनको लगाया गया है ताकि सुनिश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति समुद्र के किनारे ना जाए। 1:50 के करीब समुद्र में 4.40 की ऊंची लहरें उठेंगी और अभी जैसा हम देख रहे हैं जहां मैं खड़ा हूं यहां तक ऊंची लहरें अब उठनी शुरू हो गई हैं और समुद्र का जो रुद्र रूप है वो भी देखने को मिल रहा है। यानी कि मुसीबत लगातार बढ़ती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है मुंबई में। मृत्युंजय आप रहिएगा, सूरज में आपका भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। मुंबई में वर्षा के वार्षिक संकट की शुरुआत हो गई। माया नगरी पर हर साल की तरह फिर से आसमानी आपदा टूट रही है। बारिश से बेहाल मुंबई को लेकर बड़ी खबर यह है कि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज दिन भर बारिश का अलर्ट, तो बारिश लगातार होगी और ऐसे में जैसा मृत्युंजय बता रहे थे, हाई टाइड की संभावना और अगर दोनों चीजें साथ में होती हैं तो मुश्किल यहां बढ़ेगी। अब सूरज का रुख कर लेते हैं। सूरज, क्योंकि रेड अलर्ट जारी है, पूरे दिन बारिश आज होगी, तो मुंबई में अभी किस तरह के हालात और मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं? मौसम विभाग क्योंकि कह रहा है कि आज दिन भर बारिश होगी। जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी साफ कर दिया है कि जरूरत ना हो तो घर से
ना निकले, मतलब बेहद आवश्यकता के अवसर पर ही आप घर से निकले। वैसे मैं आपको अब दिखाना चाहूँगा कि देखिए, मैं अभी फ़िलहाल दादर चौपाटी पर हूँ और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन आपकी नज़रें जहाँ तक जाएंगी समुद्र के अंदर, मैं दिखा दूँ तो आपको दृश्य साफ नहीं दिखाई देगा क्योंकि अब बरसात भी शुरू हो गई है। तो ऐसे में अब ये जो एजेंसीज हैं, जैसे BMC हो गई या फिर तमाम आपातकालीन यंत्रणा हो गई, उनके लिए चेतावनी ही होगी क्योंकि हाई टाइड कुछ ही समय में होने वाला है और बरसात भी शुरू हो गई है। मैं उस तरफ दिखाऊँगा आपको, जहाँ तक आपकी कैमरे की नज़र जाएगी आपको सब जगह पर धुंधला धुंधला दिखाई देगा। इसका अर्थ यही है कि बहुत तेज़ बरसात भी शुरू हो गई है मुंबई के एक हिस्से में। तो अगर ये बरसात लगातार इसी तरह से होती रही तो आने वाले समय में कुछ घंटों बाद मुंबई वासियों को एक और चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। देखिए, पीक आवर्स के वक्त मुंबई के लोगों को अपने ऑफिस जाने में लेट हुई क्योंकि ट्रेनें देरी से चल रही थी, सड़क पर पानी भरा था, और ऐसे में शाम के वक्त जब लोग अपने घरों की तरफ जाते हैं तो उसे दूसरा पीक आवर कहते हैं, और ऐसे में दोबारा से ये अगर बरसात होती है हाई टाइड के वक्त तो वापस से सड़क पर जल जमा होगा, यानी कि लोगों को घर जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, तो मुसीबत चौतरफा इस वक्त मुंबई वासियों के लिए। मृत्युंजय, आपके पास आते हैं। देखिए, क्योंकि इस बीच यहां पर लगातार एक सवाल उठता है कि हर साल मुंबई इसी तरीके से पानी पानी हो जाती है, क्या वाकई कोई ऐसा तरीका नहीं है कि समय रहते मुंबई वासियों को इस परेशानी से बचाया जा सके, कम से कम कुछ हद तक तो काम हो से लेकर। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बिल्कुल बचाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए तैयारियां पूरी करनी होती हैं। देखिए, एक तो प्राकृतिक संरचना जो मुंबई की बनावट है, मुंबई जो कि 7 द्वीपों को जोड़कर बना हुआ है, तो कुछ इलाके नेचुरली लो लाइन एरियाज हैं और वहां पानी भरता है, और आज से नहीं 60-70 के दशक से ये पानी भरता रहा है। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन आता है ये कि नालों की साफ सफाई, अगर नाले साफ सफाई रहेंगे तो वो जो पानी जमा भी होता है, बारिश थोड़ी सी कम होगी तो पानी समुद्र में बह जाएगा, लेकिन अगर नाले साफ नहीं है, कचरा जमा हुआ है, तो पानी की निकासी कैसे होगी। यही वजह है कि जहां सायन का इलाका हो, हिंदमाता का इलाका हो, कुरला का इलाका हो, घाटकोपर वड़ाला का इलाका हो, इन जगहों पर पानी की निकासी नहीं हो रही। हाईवे पर पानी भर गया है, तो हाईवे पर जो नाले हैं वहाँ कूड़ा करकट जमा है, कचरे के ढेर जमा है, नाले चौक हो गए हैं। आप रेलवे ट्रैक पर कर पानी भरने का वजह यही है कि जो रेलवे के किनारे जो नाले बने हुए हैं वो साफ सफाई नहीं की गई है। यही कदम उठाने होते हैं, ये BMC को और रेलवे को मिलकर ये कदम उठाना होता है, और बाकायदा इसके लिए फंड जारी होता है, और ये काम अप्रैल मई में किया जाता है ताकि बारिश जब 8-9 के आसपास आए। परेशानी भी पता है, उसका समाधान भी पता है, फिर वक्त रहते आखिर क्यों नहीं ये तमाम कदम उठाए जाते हैं। आप रहिएगा मेरे साथ, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है पानी पानी मुंबई को लेकर। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, प्रभावित बहुत जरूरी हो तभी घर से निकले लोग, हाई अलर्ट पर सभी इमरजेंसी सेवाएं हैं। तो मुंबई में जिस तरीके से बारिश मुसीबत बनकर टूट रही है, इसे लेकर एकनाथ शिंदे का ये बयान जो उन्होंने पोस्ट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, और लोगों से अपील की है उन्होंने, इस बात की अपील की जब तक जरूरी ना हो आप घरों से ना निकलें, घरों पर ही अपने घर पर ही रहें। हाई अलर्ट भी क्योंकि इसे लेकर जारी है, सभी इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो अलर्ट पर हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर नौबत क्यों आती है इस तरह की, मुंबई में अगर कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह संपर्क उनका खत्म हो जाता है, पानी पानी हो जाते हैं, लोग फंस जाते हैं, लोगों के सामने इस तरह कई तरह की दिक्कतें आ जाती हैं, तो ऐसे में समय रहते क्यों नहीं इस समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। और देखिए, मुंबई के पानी पानी होने पर अब सियासत भी शुरू हो गई। BMC के पूर्व मेयर और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के बड़े नेता सुनील प्रभु ने इसके लिए शिंदे सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मुंबई में भारी बारिश की वजह से पूरी यातायात रुक गई है, मुंबई के स्कूल भी बंद किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व मेयर मुंबई के सुनील प्रभु जी, जो उद्धव ठाकरे के गुट के हैं। उनसे बातचीत करके जान लेते हैं कि आज की मुंबई की स्थिति या नौबत किसकी वजह से आई है, क्या कहना चाहते हैं। एक तो देखा जाए तो बारिश बहुत भारी संख्या में हुई है, 1 घंटे में 290 मिलीमीटर बारिश मुंबई शहर में हुई। आज आप देखते होंगे तो आपको फिगर के साथ यह दिखाई देता है, लेकिन आज जो स्थिति हुई है उसके ऊपर प्रशासन का कंट्रोल होना चाहिए, डिजास्टर कंट्रोल मैनेजमेंट काम करना चाहिए। अगर यही पानी अगर हमारे कार्यकाल में मुंबई का महापौर जब शिवसेना का रहता था तब बरसता था, और पानी अगर जमा होता था मुंबई में, तो उद्धव बाला साहब ठाकरे,
वहाँ के महापौर आदित्य ठाकरे इनके ऊपर ब्लेम लगाए जाते हैं। आज वही पानी आज शिंदे सरकार के इस कार्यकाल में हो बरस रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? शिंदे सरकार है। क्या किसकी वजह से ये पूरा पानी जम रहा है? पंपिंग स्टेशन नहीं है, रेलवे की जो नाले सफाई है वो नहीं। मुंबई शहर की जो ठेवन है उसको हम बोलते सॉसर जैसी है, तो उसमें पानी तो बारिश होने के बाद जमा होगा ही, ये तो कटु सत्य है। लेकिन कई कई जगह पानी न रुकने के लिए हम पंपिंग स्टेशन लगाए, वो पंपिंग स्टेशन काम कर रहे हैं, लेकिन नए स्पॉट तैयार हुए हैं उसके ऊपर पिछले 2 साल से ध्यान ही नहीं दिया गया। तो आपको लगता है कि ये शिंदे सरकार की जिम्मेदारी? देखो ये जिम्मेदारी कोई भी सत्ता में हो प्रशासन ने लेनी चाहिए।